पहले तो हम समझे तो भाई एयरपोर्ट पे टैंकर की वजह से वो उसके पेट्रोल गिर रहा है, इसलिए आग लग गई। लेकिन ये गलत है भाई, सच में एयरपोर्ट में हुआ है भाई। कल रात एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है भाई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारी कैप्टन ताबिक चाइनीज लोगों को भाई फौत, ये 40 लोग बॉम्ब से हो रहे हैं भाई। ऊपर से आपका भाई एयरपोर्ट के घर के पास ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई आज का भाई ब्लॉग हमारा सिंपल होगा, ये समझ हमारे लिए आज के आप लोगों के लिए मैसेज होगा भाई। आज ज़्यादा कुछ मिला नहीं भाई व्लॉग कॉन्टेंट भी भाई। ऊपर से तबीयत भी सही नहीं आपके भाई की, ये हालत चेक कर सकते हैं भाई। ऊपर से भाई आप सब तक तो पहुंच गई होगी ये न्यूज, फिर भी हम बता देते भाई। पहले तो हम समझे तो भाई एयरपोर्ट पे टैंकर की वजह से वो उसके पेट्रोल गिर रहा है, इसलिए आग लग गई। लेकिन ये गलत है भाई, सच में एयरपोर्ट में हुआ है भाई। कल रात एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है भाई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारी कैप्टन ताबिक चाइनीज लोगों को भाई फौत, ये 40 लोग बॉम्ब से हो रहे हैं भाई। ऊपर से आपका भाई एयरपोर्ट के घर के पास ही रहता है, ऊपर से हमारा प्लान भी टकल कहीं जाने का, मैंने मना कर दिया भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई आज ट्रिक से भाई, नहीं कहीं नहीं भाई। खैर भाई बहुत बुरा हुआ, अफसोस भी हुआ। आप चेक कर सकते भाई, ये है हमारे कराची के हालात, कोई फेस नहीं है भाई ना आज के टाइम में, जो 2024 में ना 1992 में था कोई सेफ। आखिर कब तक ये कराची में चलता रहेगा भाई? फायदा कुछ भी नहीं है भाई कराची, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है भाई आहिस्ता आहिस्ता करके, वही हुकूमत आ रही है भाई। फायदा कुछ नहीं है भाई पाकिस्तान में रहने का, इसलिए पाकिस्तान से अलविदा हो जाओ, यही सबके लिए भलाई है भाई। खैर भाई क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, बस अल्लाह ताला से दुआ है भाई सबको सबके हाल पे छोड़ते भाई, सबको नहीं किया था करवाया, हाल पे भी छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और सब अकलमंदी से भाई, हमारा तो यही है भाई सबको भाई, कोई जल्दी से फैसला सुनाना होगा किसी का, ले जल्द से जल्द कर, ताकि ऐसा कोई हो ना भाई, सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कोई फायदा नहीं है भाई, फायदा कुछ भी नहीं होगा भाई। अब तो कुछ हो नहीं सकता भाई, भाई ये बात तो होती रहेगी भाई, अफसोस के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते हम। हम कौन सा हुकूमत के हैं, शबाश शरीफ को ये जो कर ले, अगर खान साहब के पास होती तो। ये तो भाई सियासत का उनके बीच हमारा क्या काम है भाई, हम तो यूट्यूबर है भाई, यूट्यूबर की है भाई। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई, आप क्या भाई क्रिकेट में इंटरेस्ट ज़्यादा, क्रिकेट की बातें करता था, ऐसा हुआ क्या जो क्रिकेट की एक भी बात नहीं करता भाई? क्रिकेट का व्लॉग आते थे भाई, क्रिकेट के बारे में बताता था भाई, हारने की दुख देता था अपना, हारने का जीतने का भाई। वो बीच में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, दिल टूट गया था भाई। खैर भाई इस बात को अभी हम शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ,
उसको दिल में रहने तो तुम अच्छा है, सबके लिए और हमारे लिए भी अच्छा, फिर व्लॉग ही नहीं हो पाएगी तुम। उसके लिए टाइम निकालना होगा आपको भी और हमें भी भाई, फिर बात बता पाएंगे उस बारे में भाई। खैर भाई, इंग्लैंड और पाकिस्तान का भाई स्टार्ट हो गई ये सीरीज भाई, आज फर्स्ट टेस्ट मैच है भाई। आज तारीख क्या है भाई, 7 तारीख है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते फिर मोबाइल पे। हाँ भाई 7 तारीख है आज, डेट तक का नहीं पता भाई, कराची में रह रहे के ये हालात हो गए भाई। तो भाई पाकिस्तान ने अपनी प्ले 11 अनाउंस कर दी है भाई। पाकिस्तान मसूद कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, दिलों के बादशाह मुगल आजम, बाबर आजम का फॉर्म वापस आ चुका है भाई। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, शाउद शकील, आमिर जमाल ऑलराउंडर, आमिर जमाल का वापस कम बैक किया है टीम तो हुई है भाई। शाहिन शाह भी, नसीम शाह और इब्राहिम अहमद को भी लाए भाई। भाई ये अपने 11 कम बैक किया इस बार पाकिस्तान ने भाई, टॉस जीत के भाई बैटिंग फर्स्ट किए भाई। साइम अयूब तो चला नहीं भाई, 4 रन पर ही आउट हो गए। फिर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने क्या पार्टनरशिप लाई, शान मसूद ने दिखा दिया मैं अभी भी हूँ भाई जवान, कम बैक किया है शान मसूद ने भाई। 151 रन कम नहीं होते टेस्ट सीरीज में भाई, 4 साल बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद उसने किए भाई। जिस तरह शान मसूद ने किया उस तरह बाबर आजम भी करेगा भाई, फॉर्म में आ चुके हैं बाबर आजम, मुगल आजम, बाबर आजम भी कोई कम नहीं है, बाबर आजम भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। 151 पर शान मसूद आउट हुए, 102 पे अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन मुकम्मल करते हैं। शान मसूद ने T20 की तरह आज मैच खेला भाई, T20 भी नहीं है समझ रहे, ODI क्या होता है ये, ODI 50 ओवर्स का इतना खेला, वो भी फास्ट और फास्ट सेंचुरी की है भाई। हमारी दर्शक बारह का ऊपर से बाबर आजम का फॉर्म आ चुका है, बाबर आजम की भी सेंचुरी है नहीं, आप लोग तैयार हो गए साइड टेक है हम भी और आप भी भाई। ये दोनों तो भाई आउट हो गए, 200 की पार्टनरशिप लगी थी भाई। अब पबजी की बारी है भाई, शाउद शकील, पबजी ये थे 56 बॉलों पे 22 रन भाई, शाउद शकील नहीं 56 बॉलों पर 29 रन बाबर आजम के, शाउद शकील के दोनों बराबर ही चल रहे हैं, उनके 31 ऐसे ही चल रहे हैं भाई हिसाब से भाई, दोनों साथ साथ जा रहे हैं अभी भी कंटिन्यू है, अभी का नहीं पता भाई अभी क्या चल रहा है भाई। तो हम कोशिश करेंगे कल नेक्स्ट से नेक्स्ट इसके लिए बनाएंगे भाई, क्या टारगेट दिया, क्या हालत इंग्लैंड की, सब चीज़ें बताएंगे भाई। खैर भाई ये मैसेज देना था आपको, हम वापस आ रहे हैं कम बैक करना क्रिकेट पर भी और ब्लॉगिंग पर कम बैक करना भाई, बहुत हो गया भाई। इस व्लॉग को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें भाई, सही होगा भाई, दबाएंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप गुस्सा दिला देते सब्सक्राइब नहीं करते भाई, इतना गुस्सा आता है भाई, सब्सक्राइब किया करें भाई, सपोर्ट करें, ऐसा नहीं चलेगा, करें जल्दी से जल्दी सपोर्ट, वरना भाई हम आ गए ना तो फिर आप कहेंगे भाई अलग भाई हमारी प्रॉपर्टी वगैरह भी आप रखो, हम तो आपके नहीं है छोड़ के गए थे, आप मेहमान, हम तो आपके मेहमान थे भाई, फिर भाई ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर हम आ गए अपनी पर, ऐसा नहीं होता ना। तो जल्दी से जल्दी हमारी ये काम करें, हम आपका वो काम करेंगे, सपोर्ट आपको भी सपोर्ट करेंगे, वो काम वो होता है भाई, कोई और काम नहीं होता। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।